क्या हुआ रवि बेटा, चेहरा कैसे उदास है? पापा मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। क्यों बात नहीं करनी मुझसे? क्या हो गया, मैंने क्या कर दिया? पापा आपको पता था ना मैं अजय से कितना प्यार करती थी। फिर उसने ना मेरे उससे इतनी मोहब्बत करती थी, मैं तब भी उसने शादी कहीं और नहीं। पापा शादी कर लिया, मैं उसे छोड़ने नहीं वाली। वो ना मुझे ऐसे सोच के बैठा है मैं उसकी जिंदगी बर्बाद कर दूंगी। पापा आपको पता है जो चीज मैं सोचती हूँ उसे हासिल करके रहती हूँ। बेटा बेटा मेरी बात सुनो, मैंने तुम्हें हर चीज लाके दी है और मैं उस अजय को भी देख लूंगा। मेरी बेटी के साथ धोखा? पापा मैं उसे हर हालत में पाके रहूंगी। बिल्कुल आपको पता है जो चीज मुझे पसंद है वो हर हालत में मेरी होती है। बिल्कुल तुम्हें मिलेगी। और जो चीज मेरी नहीं होती ना वो फिर किसी की भी नहीं। नहीं नहीं, जो मेरा नहीं हुआ ना वो मैं किसी और का होने ही नहीं दूंगी। बहुत बड़ी गलती करी है अजय ने तुम्हारे साथ धोखा करके। पापा गलती तो उसने करी है, उसको इसकी सजा भी भुगतनी पड़ेगी, आप देखना। अच्छा घर पे आ गए हम। अच्छा ये बताओ कैसा लगा आज का दिन? बहुत खूबसूरत। मजा आया कि नहीं? बहुत ज्यादा। हाँ देखो मेरी एक शहर, यहाँ पर शहर में जॉब का ट्रांसफर हुआ है। वैसे तो मैं अपने गांव से यहाँ वापस आया हूँ और मैं तुम्हें भी इस शहर में लिया है, ठीक है? हाँ इस शहर में अब मेरा आज पहला दिन है जॉब का, उसके बाद मैं तुमसे शाम में मिलूँ। अच्छा ये बताओ शाम को क्या क्या लेकर आऊँ तुम्हारे लिए? कुछ नहीं, मेरे लिए तुम आ जाओ वही काफी है। हाँ हाँ मैं तो आऊंगा ही, फिर भी पर अगर खाने में लाना चाहते हो तो व्हाइट वाले रसगुल्ले। व्हाइट वाले रसगुल्ले जो जब खाए थे? हाँ। अरे वाह वाह ठीक है। अच्छा चलो मैं मिलता हूँ। और कुछ तो नहीं लेना? नहीं और कुछ नहीं, कुछ लाना हो मैं फोन पे बता दूँ। ओके ओके और टाइम से आ जाना। बिल्कुल 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 ठीक है ठीक है, मैं चल रहा हूँ। ओके बाय। लेट ना हो जाऊँ यार आज। अरे अजय व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। अरे लवली तुम यहाँ कैसे? अरे लवली कैसी है तुम यार? मैं तो ठीक हूँ, यहाँ पर क्या कर रहे हो तुम? अरे कुछ नहीं बस आज मैं तुम्हारे शहर में मेरी जॉब लगी है और मैं। ओह वाओ कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू। और कैसी हो? काफी कॉलेज के बाद तो कभी दिखाई नहीं दी। तुमने दिल से देखने की कोशिश ही नहीं की। तुम्हारे मजाक करने की आदत गई नहीं है। और तुम्हारे भी फ्लर्ट करने की आदत नहीं गई। मैंने कौन सा फ्लर्ट किया तुम्हारे साथ? तुम जब भी धोखेबाज थे तुम अब भी धोखेबाज हो, तुम अब भी धोखा देके चले गए। अरे मैं तो कभी धोखा देके नहीं गया। अच्छा ये बताओ तुम तो मेरी अच्छी दोस्त थी ना? थी नहीं हूँ। हाँ अच्छी दोस्त और हमेशा रहूंगी। क्या बात है। अच्छा ये बताओ सारे हमारे जितने कॉलेज के सामने साथ वाले थे काफी दिन से वो रवि ये सब टच में थे ही नहीं, तुम्हारे टच में है क्या दोस्त? हाँ सभी हैं ऑलमोस्ट, बट तुम ही नहीं थे बस मेरे टच में। अब लवली तुम्हें तो पता है मेरी शादी हो गई। डोंट कॉल मी लवली, जो मुझे पहले बोलती थी लव तुम मुझे वही बोलो, वही मुझे। ओहो सारे कॉलेज के लड़के लव बोल देते हैं, तुम्हें बड़ा मजा आता था लव वर्ड में। मुझे औरों के मुंह से नहीं तुम्हारे मुंह से लव सुनने में मजा। अच्छा लवली मेरी बस आ गई। अरे यार बस से क्यों जा रहे हो, मेरी गाड़ी से चलो ना। अरे लवली तुम्हें तो पता है कि मैं मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ और कभी गाड़ियों का और अमीर लड़कियों का शौक ही नहीं रहा, ये तो तुम्हें पता है। ठीक है बाय बाय। अरे यार अच्छे ये भी ना बेटा भाग ले जितना भागा जाए, तुझे तो मैं छोड़ने नहीं वाली। गर्मी कितनी हो। ओह तुम क्या यार वही कपड़े, तुम तो पहले से भी ज्यादा ऐसी हो गई। वो क्या तुमने शादी करके क्या हासिल कर लिया, ये वो 500 रुपए की साड़ी, इससे ज्यादा मेरे नौकर एक्सपेंसिव कपड़े पहनते हैं। कुछ भी मतलब, वैसे जा कर रही थी तुम? मैं कहीं भी जा रही सही ठीक है ना, और अपनी जवान को लगाम दो। इसका मतलब ये नहीं कि हम साथ स्कूल में पढ़े तो तुम मेरी बेइज्जती करोगी। हो वाह तुम जानते हो कि मेरी शादी अजय से हुई है, अपनी दौलत से मेरे अजय को हासिल नहीं कर पाई। प्यार में वो शक्ति होती है जो अजय आज मेरे साथ है। दौलत हर जगह हर वक्त में काम नहीं आती लवली, और अपने इस घमंड को अभी भी टाइम है। उस टाइम भी घमंड था और आज भी घमंड है तुम्हारे अंदर। बेबी वो ना नादान था नादान, अगर वो मेरे संग आता ना अय्याशिया कर रहा होता ऐश कर रहा होता, तुमसे शादी करके जन्नुम हो गई है उसकी। मुझसे शादी करके उन्हें जितना सुकून अब मिला ना, शायद तुमसे शादी करके ना वो अपनी जिंदगी गवा बैठता। हाँ लाइफ लग्जरी हो जाती उसकी, कारों में चलता है बेचारा, बस के धक्के खा रहा है तुम्हारी वजह से। मेरी वजह से? तुम्हें दो वक्त का खाना मिले इसलिए। और वैसे मेरे संग शादी होती उसकी लाइफ भी कुछ और होती, और वैसे भी उसकी लाइफ खराब। एक्सक्यूज मी, मेरे घर के मामले में बोलने वाली आप होती कौन है? इसका मतलब ये नहीं तुम मेरी दोस्त हो तो तुम मेरे घर की और मेरे पति। हेलो ना मैं तुम्हारी फ्रेंड थी, तुम जैसे
चीफ लोगों की फ्रेंड बनना मैं पसंद नहीं करती. ओके यू अंडरस्टैंड. आई होप यू बेटर अंडरस्टैंड माइंड योर लैंग्वेज. तुझे तेरे पैसे का घमंड है और मुझे मेरे प्यार का घमंड है. प्यार में वो ताकत होती है जो सारी दुनिया से लड़ सकता है. इडियट कहीं की पैसा क्या है, पैसा क्या है, तुम्हें तो पता चलेगी पैसे के द्वारा. और अजय को हासिल करके तू बहुत ज्यादा खुश हो रही है ना. तेरी खुशी ज्यादा टिकनी नहीं दूंगी मैं, याद रखियो. तेरी खुशी तो मैं यूं चुटकियों में छीन लूंगी. पैसे में वो ताकत होती है बेबी कि वो हर किसी को हासिल कर सकती है. तू और वो अजय क्या चीज है, मुझसे पाला पड़ा है तुम्हारा, मुझसे. जानते नहीं हो भी तुम मुझे, जो मैं चाहती हूँ ना वो मैं करके रहती हूँ. अरे क्या हुआ तुमसे, पानी की क्या था, पानी क्यों नहीं लेकर आई, मुझे आके पी लो. अरे लो, आज ही शहर में आई और अभी क्या हो गया. छोड़ो. अरे हुआ क्या. अरे वो लवली मिली थी मुझे जब मैं मार्केट से आ रही थी. लवली तुम्हें तो पता है वो पागल है. तुम अपना मूड क्यों खराब कर रही हो. वो पागल नहीं है, तुम्हें पता क्या क्या बातें सुना के गई है मुझे. वो क्या बोल रही थी. वो बोल रही थी जो बताने लायक नहीं है. अरे बताओ ना क्या क्या कही थी. वो ही बोल रही थी कि तुम वैसी हो और तुम पहले से है वैसी थी और ये 500-600 रुपए की साड़ी पहनती हो. अरे रे रे, जितनी बात साड़ी की नहीं है. देखो ये बात तो हकीकत है कि तुमने ना मेरी, मुझे पता है सारे मोहल्ले वालों को देखो कितनी अच्छी स्टैंडर्ड उससे रहते हैं, मुझे देखो कि किस तरीके से रहती हूँ मैं. अरे मुझे पता है, तुम्हें तो पता है. आज तक एक सिनेमा हॉल नहीं लेके गए मुझे, आज तक की डेट में जब से मेरी शादी हुई ना एक फिल्म नहीं दिखाई मेरे को. देखो किरण, मैं गरीब घर का जरूर हूँ, बड़ी मेहनत से मेरे माँ बापों ने जिंदगी भर गरीब ही रहोगे तुम, कभी नहीं हो सकता तुम्हारे अंदर अमीरी का वो. अरे तुम पागल हो गई क्या. पागल हो गई. जितनी तनख्वाह होती है उसी में अपना गुजारा कर लो. पूरी जिंदगी इसी झंझट में मुझे काटनी पड़ेगी, समझ में आ गई ना. सोचा था तुमसे शादी करके खुश रहूंगी है ना, अच्छा बंगला होगा, गाड़ी होगी, ऐशो आराम होगा, लेकिन नहीं, नौकरानी की तरह बदतर जिंदगी बना के रख दी मेरी. नौकरानियों से भी बदतर मेरी जिंदगी हो गई है. और खबरदार जो उसे किसी चीज के लिए कहा. किरण इसे हो क्या गया, कल तक तो बड़े प्यार से बातें कर रही थी, मुझे लग रहा है लवली ने कुछ भर दिया है इसको. अगर लवली इसके साथ रहेगी तो ये पागल हो जाएगी, लालच भर दिया होगा शायद इसके दिमाग में. वैसे भी लालच बहुत बुरी बला है. चलो प्यार से समझाता हूँ उसको. लवली ये क्या कर रखा है. डैडी क्या तुम काम भी कर रहे हो. डैडी हो संभालो अपना को. डैडी क्या है सब, दुनिया कितनी अच्छी है डैडी. तुमसे मैंने मना किया था रातों में देर से नहीं आते. डैडी नाइट में ही तो मॉर्निंग होती है आप उनके. डैडी डैडी हाँ बोलो बेटा. वो है ना जो अजय. हाँ हाँ डैडी उससे मैं कितना प्यार करती थी. हाँ बेटा कितनी बार डैडी बार रोना पड़ा मुझे. परेशान मत डैडी, वो लड़की तो कौड़े की लड़की के लिए उसने मेरा दिल तोड़ा. बेटा वो तुम्हारी इमेज को समझा नहीं, कितना अच्छा दिल है तुम्हारा. मैं उससे कितना प्यार. नहीं नहीं मैं समझ रहा हूँ डैडी, लेकिन अब मैं उसे नहीं छोड़ूंगी. जो होना था ना वो हो गया डैडी. नहीं नहीं तुम कोई ऐसा कदम नहीं उठाओगी डैडी, मैं देखूंगा उसको. आप उसकी लाइफ खत्म, आज से उसके उस काम मेरे लिए छोड़ो. उल्टी गिनती शुरू डैडी. तुम चलो अंदर चलो, अब वो नहीं बचेगा. चलो अजय फिनिश डैडी, अब वो गया, अब वो नहीं बचेगा. अगर इसकी यही हाल रहा तो बहुत मुश्किल हो जाएगी, लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगा. मैं अपनी बेटी को सब कुछ ला कर दूंगा, उस अजय को भी. अरे नमस्ते. नमस्ते ठाकुर साहब. नमस्ते त्यागी, कैसे हो. बस बढ़िया हूँ, और कैसे याद किया आपने हमको. अरे त्यागी हम तुम्हें याद करते रहते हैं, कभी ना कभी तो करते ही. ये तो है ठाकुर साहब, करते हो तो. अब से 10 साल पहले जिस काम के लिए याद किया था वैसे ही काम हो रहा है. अरे ठाकुर साहब कैसी बात करते, ऐसा काम होगा कि आपको कोई शिकायत मिली आज तक. इस बार आदमी नहीं एक लड़की है. लड़की. हाँ कोई बात ठीक, मैं तुम्हें फोटो दिखा. वैसे हमने मर्दों का मर्डर किया है हमेशा. कोई बात ठीक है, ठीक है ठाकुर साहब. हमारी तो आंखें भर जाती है.
अरे ठाकुर साहब कैसी बातें कर रहे हैं, हम आंखों में से सुरमा निकाल लेते हैं। तो मैं तुम्हें इसका पता बता दूंगा, तुम काम करके अपने गाँव में ले जाना। अरे तुम परेशान ना हो, पैसे नहीं कर। हाँ कोई बात नहीं ठाकुर साहब, आपकी बात में भरोसा है। पसंद नहीं होगी भैया, नहीं क्या बात करते हो ठाकुर साहब, ऐसी बात करते हैं। ठीक है हाँ ठीक है ठाकुर साहब, नमस्ते ठाकुर साहब, नमस्ते। ठीक है ठाकुर, अजय मोहब्बत है इसलिए बच गया, लेकिन तेरी जिंदगी नासूर बन जाएगी। बहुत बहुत बढ़िया खाना बनाया, बहुत क्या बात है, क्या बात है। खाना कैसा लगा? ऐसी बहुत बढ़िया खाना लगा। आज बरसों बाद तुम्हारे हाथ का खाना खाया है, पता है इतना टेस्टी। मैं क्या कह रही थी कि मैं उस दिन मार्केट गई थी। क्या कह रही थी? ऐसे खुश रहा करो ना, तो बहुत अच्छा लगता है। कहीं नहीं जी, मैं तो खुश ही रहती हूँ। अरे मैं तो यही तो कह रहा हूँ, कभी कभी तो मैं वो होता है ना एकदम जुनून सा आया था तो लड़ने शुरू कर देता हूँ। थोड़ा थोड़ा कभी कभी ऐसा हो जाता है। अच्छा ये बताओ, आज बड़ी रोमांटिक लग रही है, क्या बात है? मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। हाँ हाँ बताओ। उस दिन मैं मार्केट गई थी ना। हाँ हाँ। वो क्या है कि एक ज्वेलर्स की दुकान पर ना मैं एक हार देख के आई। हार? हार देख के आई थी। अच्छा अच्छा। इतना सुंदर था, इतना सुंदर था, अब मुझे वो वाला हार चाहिए। किरण तुम्हें तो पता है अभी हालात ऐसे चल रहे हैं, अभी घर लिया है, किराए का सारा खर्चा हो गया, जितने पास पैसा था वो तो मैंने अच्छी तरह बताया कि एक गरीब फैमिली से बिलोंग करता हूँ, बड़े मेहनत से मेरे माँ बापों ने मुझे पढ़ाया, और तुम्हारे माँ बाप भी, अब क्या हुआ? बोलो बोलो। अच्छा बाबा नेक्स्ट मंथ में तुम्हें दिला दूंगा। नेक्स्ट मंथ में नहीं, मुझे आज ही हार चाहिए, समझ में आ गई ना? मुझे क्या पता थी कि जब देखो तुम पैसों का रोना रोते रहते हो। अरे तुम्हें अच्छी तरह पता है कि इस घर चलाना बड़ा मुश्किल होता है। जिंदगी भर ऐसे ही रहोगे, जिंदगी भर, समझ में आ गया ना? 5 साल हो गई शादी, आज तक तुमने मुझे एक कंगन तक भी सोने के खरीद के नहीं दिए। किरण तुम्हें अच्छी तरह पता है, ये देखा ये साड़ी, ये देखा ये साड़ी, देखी तुमने? मोहल्ले की औरतों को देखो, कितने अच्छे अच्छे साड़ी, डायमंड वाले हार पहनती है, इतने बड़े बड़े फोन चलाती है। तो तुम्हें भी अच्छी तरह पता है हमारे घर में एक वो भी नहीं है, एक दीवार वाली टीवी भी नहीं है हमारे घर में। तुम्हें अच्छी तरह पता है ना मैं ये सारी चीजें अभी हासिल नहीं कर सकता, लेकिन हाँ मैं देखो मैं धीरे धीरे सारी चीजें ले लूंगा। 5 साल हो गई अभी तक तो नहीं कर पाए, और आगे भी तुमसे उम्मीद लगाना बेकार है। देखो किरण मेरी बात सुनो। मुझे कोई बात नहीं सुननी, इस लायक हो जाओ तो मुझसे बात करना। किरण किरण मेरी बात सुनो, किरण किरण बात सुनो, किरण किरण मेरी बात सुनो। अच्छा एक काम करो, देखो कितने का हार है? 5 लाख का। 5 लाख? किरण तुम्हें पता है मेरी खुद की सैलरी 30,000 रुपए है, बड़ी मेहनत से, और बहुत सारे खर्चे भी हैं, तुम्हें अच्छी तरह पता है, और माँ बाप बीमार रहते हैं उनके लिए भी थोड़ा बहुत पैसा भेजता हूँ, तुम्हें अच्छी तरह पता है। अब 10,000 रुपए उनके लिए भेजता हूँ, 20,000 में हम सारा खर्चा चला रहे हैं, पूरी जिंदगी इसी उसी में काटनी पड़ेगी मेरे को। किरण मेरी बात सुनो, हर दिन एक सा नहीं होता, देखो इधर एक दिन मैं बहुत बड़ा आदमी बनूंगा, समझी? और मैं तुम्हें हार जरूर दिलाऊंगा, 5 लाख का नहीं 10 लाख का दिलाऊंगा, लेकिन कुछ दिन तक तो ठहर जाओ। क्यों बुलाया मुझे यहाँ पर, क्यों बुलाया यहाँ पर? तुम्हारी वजह से मेरी जिंदगी बर्बाद हो रही है। अरे क्या पट्टी पढ़ा रही है मेरी बीवी को? हाथ जोड़ा जैसे। एक बात बताओ लवली, तुम पागल हो गई क्या? हाँ मैं पागल हूँ तुम्हारे प्यार। लवली ये प्यार नहीं है, ये प्यार नहीं है, ये अंधविश्वास है। अजय तुम्हें पता है मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करती थी, तुमने क्यों छोड़ा मुझे? और मुझे अजय तुम मेरी मोहब्बत थे, मैंने तुमसे एक बात कही थी ना, किसी और के पास जाते हुए नहीं देख सकती। तुम पागल हो गई, तुम अपने दौलत के नशे में ये भी भूल चुकी हो, ये भी भूल चुकी हो कि प्यार प्यार ऐसे हासिल नहीं होता है। तुम्हारे लिए, तुम्हारे लिए सिर्फ दौलत होगी, दौलत से चाहती हूँ सब कुछ खरीद ले, लेकिन प्यार नहीं खरीदा जा सकता। एक बात याद रखना, अगर मेरे घर में तुमने दखल देने की कोशिश की तो मुझसे बड़ा कोई नहीं होगा। भूल जाओ मुझे, मैं तुम्हें नहीं भूल सकती, जब तक मेरे जिस्म में मेरी सांस है। लवली
देखो मैं जानता हूँ तुम मेरा क्रश थे, तुम मेरे क्रश हो और मैं तुम्हें पागल लवली तुम हर हाल में मैं लवली मैं तुम्हारे हाथ जोड़ रहा हूँ मेरी जिंदगी अजय मत जोड़ो मैंने भी जोड़े थे तुम्हारे आगे तुमने मेरी एक नहीं सुनी थी ना लवली तुम्हें नहीं पता तुमने ये सब खुद करवाया अजय मजबूर किया है तुमने मुझे ये सब करने पे लवली लवली तुमने मेरी बीवी के दिल में लालच भर दिया दिमाग में लालच भर दिया वो लालची हो गई है उससे 5-5 लाख रुपए की हार मांग रही है वो क्योंकि माय डियर वो तुमसे प्यार ही नहीं करती अगर वो तुमसे प्यार करती होती तो पैसा उसके लिए कुछ वैल्यू नहीं रखता मुझे देखो मुझसे बोलो अजय सारी जायदाद लौटा दूंगी रोड पे आ जाऊंगी तुम्हारे साथ ना वो 200 रुपए वाले चौल में रह लूंगी बस मुझे अपना लो अजय प्लीज मुझे अपना लो तुम्हारे लिए मैं अपना महल छोड़ के तुम्हारे चौल में रह लूंगी लवली लवली तुम इतना गिर जाओगी मुझे ये नहीं पता था ये तो पता था कि तुमने दौलत के लिए सबको ठोकर पे रखा पूरे कॉलेज में सबको पूरे शहर को नई नई गाड़ियां तुम्हें जो नई नई गाड़ी बदलने का शौक है ना अजय ऐसा नहीं है अजय का दिल बहुत साफ है अरे अजय ने सिर्फ प्यार किया है तो सिर्फ किरण से किया है लेकिन अजय घर दिल से नहीं चलता घर नोट से चलता है वो मेरे पास मेरे साथ होते ना तुम्हें ये 8-10 वाली जॉब नहीं करनी पड़ रही होती तुम आज ऐश कर रहे होते तुम्हारे नीचे कितने वर्कर काम कर रहे होते देखो मैं तुमसे सिर्फ आखिरी बार एक वार्निंग देना चाहता हूँ वार्निंग नहीं बल्कि प्यार से बोलना चाहता हूँ मैं जानता हूँ कि तुम्हारा दिल दुखा है लेकिन तुमने मुझे कभी कॉलेज में नहीं बताया कि तुम मुझसे प्यार करती हो बस अपनी अपनी तरफ से हाँ प्यार मेरी फीलिंग्स तो समझ सकते थे ना यार फीलिंग नहीं हम कॉलेज में पढ़ने गए थे फीलिंग हमारे हमारे क्लास में 40 लड़के थे पूरा कॉलेज मेरे पीछे दीवाना था लेकिन तुम जानते थे ना मैं हर टाइम तुम्हें ही फोकस करती थी ना तुम मेरे जज्बातों को नहीं समझे यार कितनी मोहब्बत करती लवली लवली मैं जानता हूँ लेकिन मुझे ये क्या पता कि तुमने अंदर अंदर अपने दिल में पता नहीं क्या पका लिया है लवली मेरी बात सुनो देखो लवली अब मेरी शादी हो चुकी है मेरी एक बीवी है कल मेरे बच्चे भी होंगे जिस दिन मैं तुम्हारे लिए रोज लेकर आई थी ना इतना बड़ा दिल लेकर आई थी ना तुम्हें आई लव यू कहने के लिए उस दिन मेरे लिए पता है डोर तुम्हारी वाइफ ने खोला था उस टाइम मेरे दिल पे क्या बीती थी तुम नहीं समझ सकते तुमने मुझे बर्बाद कर दिया तुमसे इतनी मोहब्बत करती थी लवली ये मगरमच्छ के आंसू मत रो मेरे सामने मुझे पता है तुमने लोगों की जिंदगियां बर्बाद की हैं लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगा ऐसा नहीं होने दूंगा मैं अजय मैं तुझसे अपने हर एक आंसू का बदला लूंगी अजय अपने हर एक आंसू का तुझे चुकाना पड़ेगा तूने ना गलत इंसान से पंगा लिया अजय तू देख मैं क्या करती हूँ तू देख अजय जिस नौकरी पे तू फूल रहा है ना वो कल से रहने नहीं वाली है तेरे पास तेरी नौकरी भी गई तो देख अभी मैं तेरा क्या क्या छीनती हूँ तुम शराब पी के आयो किरण हर जिंदगी में पहली बार शराब पी तुम सही कहती थी मुझे छुआ मत तुम मुझे छुआ करो मत तुम सही कह रही हो तुम किसी लायक नहीं हो तुम मेरे लायक नहीं तुम किसी के भी लायक नहीं हो मुझे तुमसे ये उम्मीद एक तो मुझे कोई सुख नहीं दे सकते ऊपर से शराब और पी के आए हो तुम हैं मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी तुम घटिया हो जानवर हो जंगली जानवर हो तुम मुझे तुम्हारे साथ शादी ही नहीं करनी क्यों तुम्हें नहीं पता सब कुछ बर्बाद हो चुका है हाँ मुझे तो ये भी नहीं पता कि आगे की मंजिल क्या है एहसास से मैंने तुम्हें बहुत प्यार किया कि आज तुम्हारे ऊपर हाथ उठाकर मैं अपनी खैर कर कायर हो गया हूं मैं किरण तुम रो क्यों रही हो छोड़ो मुझे अरे लेकिन किरण हुआ क्या है मुझे बताओ नहीं कुछ नहीं मुझे जीना नहीं है मुझे मरना है किरण सुनो हुआ क्या है मुझे बात तो बताओ यार तुम सही कहती थी वो आदमी फोन करा रहा आज उसने मेरे ऊपर हाथ भी उठाया एक तो कभी मुझे कोई खुशी कभी कोई चीज नहीं लगी थी ऊपर से मेरे ऊपर हाथ भी फोन किया था मैंने तुम्हें पहले ही बोला था तुम सही कहती थी लवली तो वहां तो मुझे ना तो कोई सुख दे सकता
मेरे पापा ने कभी मुझ पर हाथ नहीं उठाया और आज मुझ पर हाथ उठाया उसने। ऐसे जंगली जानवर इंसान से मैंने शादी करी, इससे अच्छा है कि मैं मर जाऊं और उसके साथ रहने वाली मेरी बात सुनो। हम क्लास में बड़े हैं सर, हम दोनों फ्रेंड है ना, हम दोनों बहन है ना। मैं ही तुम्हारे साथ, तुम टेंशन मत लो, मैं हूं तुम्हारे साथ। लवली मुझे जीना नहीं है बहन, मुझे जीना नहीं है। तुम बहन के सामान से मत जाती हो, मेरे सारे जी मैं तुम्हारी लाइफ और देखना कहां से कहां हो जाती हूं। किरण तुम मेरे से मेरे घर चलो, तुम वहीं पर रहना। नहीं नहीं मैं आपके तेरे तुम्हारे घर नहीं जा सकती लवली। क्यों? मैं किसी के घर पर बोझ बनना नहीं चाहती किसी के ऊपर। एक तरफ मुझे बहन कहती हो, एक तरफ मुझे कहती हो तो मेरे पर बोझ बनोगी। पागल बहन हो तुम मेरी, चलो मेरे। अगर तुमने साबित कर दिया कि तू मेरी बेटी है। पापा आज हम अपने मिशन में सक्सेसफुल। बिल्कुल जो सोचा था। मैंने कहा था ना पापा, जो हम सोचते हैं वो हम करके रहते हैं। अब ऐसा है, इसको ऐसी बातों में भाग के रख, अजब तेरा ही होगा ये पापा, और तुझे ही मिलेगा। पापा ये सब करूंगी भी क्यों नहीं, क्योंकि मैं बेटी भी आपकी हूँ। बेटा बिल्कुल बेटा, इसको तो घर के नौकर संभाल लेंगे, और तू जाकर अपने अजय को संभालना। जी पापा। परेशान हो गया, अकेला होगा। जा बेटा जा। तू इतनी लालची निकलोगी मुझे ये नहीं पता था। सब प्यार व्यार सब हमारा धोखा था क्या? अरे मैं दौलती से प्यार करता तो लवली से शादी करता ना। तुम अपने अजय को समझी नहीं। लवली तुम लवली मैं बहुत शर्मिंदा हूं। क्यों? मेरा सब कुछ लूट गया लवली, सब कुछ खत्म हो गया। अजय तुम कैसी बात कर रहे हो, मैं कल भी तुम्हारे साथ थी, मैं आज भी तुम्हारे साथ हूँ। लवली मैंने हमेशा तुम्हें गलत समझा, हमेशा तुम्हें तुम्हें ताने दिए तुम्हारी दौलत के, लेकिन तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है लवली, बस ये काफी उपकार कर दो मेरे ऊपर। अजय लवली इस शहर में आके सब कुछ लूट गया मेरा, तुम जो बोलोगी मैं वो करूंगा, तुम जो बोलोगी वो करूंगा। अजय बस अपना लो मुझे लवली, अपना लो मुझे अजय। लवली मुझे पता है किरण ऐसी नहीं थी, लेकिन इतने लालच में अंधी हो जाएगी ये सोचा नहीं था मैंने। वो मुझे छोड़ के गई है ना, अब मैं उसे दिखाऊंगा क्या, वो मेरे लिए मर गए। लवली मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। क्यों बुलाया था कि मुझे? ठाकुर साहब मेरा पेमेंट नहीं आया, आपने मुझसे कहा था किसी काम की, उस काम के लिए आपने मना कर दिया मुझसे। क्यों? जब मैंने काम को मना कर दिया तो फिर पेमेंट किस बात का? क्यों? अच्छा ठाकुर क्यों, पहले काम करा था तब पैसे दिए थे, इसका भी ऑर्डर हम कुछ नहीं जानते, हमें पैसे चाहिए, पेमेंट चाहिए ठाकुर। काम नहीं किया तो पैसे नहीं, नहीं पैसे चाहिए ठाकुर। मेरे पास फालतू टाइम नहीं तुम जैसे लोगों के लिए। क्यों नहीं है आप? हमें पेमेंट चाहिए। कोई पेमेंट नहीं, जाओ। हमने पहले भी किया था आपका काम, आपने पेमेंट दिया था जब हमें, आपने कह दिया हम पेमेंट नहीं मिलेगा। आपने क्यों मना किया? हमने तो नहीं मना, मना किया हमें ठाकुर पैसे चाहिए। जो करेगा कर लेंगे ठाकुर, बचोगे नहीं तुम भी। मैंने तुम्हारी हर बात मान ली, हम इस शहर से भी इस देश से भी दिल बदल गया मेरा। हाँ अजय कल हम लोग ये शहर नहीं हम ये देश छोड़ के ही जा रहे, कल हम लोग चलेंगे यहाँ से। लवली मुझे तो उस पर रोना आ रहा है। छोड़ो उसे भूल जाओ, आपस मुझे याद रखो। तुम सही कह रहे हो, हम ये देश छोड़ देंगे, हम ये देश छोड़ के कल चलेंगे अपने नए सपनों की दुनिया में। चलो इतना बड़ा बेटा उस लड़की के साथ, ये मैं होने नहीं दूंगा, चाहे त्यागी को कुछ भी क्यों ना करना पड़े, इस लड़की का साथ देना है मुझे।
अजय, तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मैंने तुम्हें क्या समझा था और तुमने मेरे साथ क्या किया? बहुत विश्वास करती थी तुम पर, लेकिन मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुम ऐसे निकल सकते हो। अजय, तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। अजय धोखेबाज नहीं है। आपको भी? मैंने तुम्हारा फोटो देखा था, ठाकुर साहब ने मुझे फोटो दिखाया था, वो बाप और बेटी धोखेबाज है। क्या? और वो अजय को विदेश ले जा रहे हैं। तुम झूठ बोल रहे हो, अजय धोखेबाज है। नहीं, मेरे साथ धोखा किया। अजय धोखेबाज नहीं है, अजय धोखेबाज नहीं है। मालूम? मैं कैसे मालूम कि अजय धोखेबाज नहीं है? नहीं, वो विदेश जा रहा है। अगर तुम बचा सकती हो ना तो अजय को बचा लो। देखो, मैं तुम्हारा साथ दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं अजय को, तुम नहीं जाने दो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। क्या? हाँ, विदेश। इसका मतलब मेरे साथ धोखा किया लवली ने? बहुत बड़ा धोखा किया है ठाकुर ने, उन बाप बेटी ने। भैया, मुझे मेरे अजय के पास ले चलो। भैया, चलो चलो चलो, तुम कहाँ रहेगा भाई? अरे डैडी, इनको पता है कि सारी चीजें हैं, बस ये खरीद वो खरीद, दुनिया भर की बोर्डिंग करा दी है। फ्लैट का बिल्कुल टाइम हो गया है। अच्छा, और कुछ ही देर में फ्लैट हमारी ना चलेगी। चले? हाँ चलो चलो बिल्कुल। अजय, मुझे माफ कर दो। अजय, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया जो तुम्हें छोड़ के चली गई। अजय प्लीज मुझे माफ कर दो। मैं जी नहीं सकती तुम्हारे बगैर। मैं बहुत प्यार करती हूँ तुमसे। अजय अजय प्लीज मुझे माफ कर दो। अजय अजय, मुझ पे बहुत बड़ी गलती हो गई। अजय प्लीज मुझे माफ कर दो। खिलन। अजय, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। तुम्हारे साथ धोखा हुआ है। इन दोनों बाप बेटियों ने तुम्हारे साथ धोखा किया है। हाँ, तुम झूठ बोल रही हो। नहीं अजय, मेरी बात मानो, सच्ची में धोखा दिया है। तुम झूठ बोल रही हो। आज मेरे पास सब कुछ है, दौलत, इज्जत, शौहरत, तो तुम बीच में आ गई। नहीं, मुझे छोड़ नहीं थी ना मुझे। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है अजय। मेरी बात तो सुनो, पहले मेरी पूरी बात तो सुन लो। तुम जानते हो उस रात जो तुमने मेरे को थप्पड़ मारा था, लवली मैम मिली थी मुझे रास्ते में। मैं आत्महत्या करने जा रही थी। लवली मुझे अपने घर ले गई। लवली ने मुझे अपनी दौलत की चकाचौंध में बहका दिया। लेकिन लवली ने मुझे बताया नहीं। लवली के घर रही मैं बहुत समय तक। वो तो अच्छा है, एक भैया का भला हो जो मुझे आगे सही वक्त पे मेरी आंख खोल दी। उन्होंने मुझे बताया कि मेरे साथ धोखा हुआ है जब तुम्हें उस दिन एयरपोर्ट पे देखा। इतना बड़ा धोखा दिया? मैं सच बोल रही हूँ, लवली ने मेरे साथ भी धोखा किया और तुम्हारे साथ भी। बल्कि लवली को ऐसा करना नहीं चाहिए था। इसमें लवली की गलती नहीं, हमारी गलती है, क्योंकि हमने अपने प्यार को सही तरीके से समझा ही नहीं। लवली की नहीं, तुम्हारी नहीं, मेरी गलती है। किरण, अजय, मेरे से बहुत बड़ी भूल हो गई। मैंने तुम लोगों के बीच में हर एक कोशिश करी कि तुम लोगों को मैं जुदा कर सकूं। मैं अंधी थी अपने प्यार में, किरण, मैं अंधी थी इन अजय को पाने के लिए। मुझसे इतनी बड़ी भूल हो गई। मैं पागल हो गई थी इनके पीछे। क्रश था ये मेरा। किरण, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारा यहाँ छोड़ती। लवली, तुम्हारी जगह मैं भी होता या किरण भी होती तो शायद यही होता। प्यार होती ही ऐसी चीज है लवली, लेकिन आज मुझे अपनी गलती का एहसास है। आज मुझे अपनी गलती, मैं तुम दोनों का हमेशा साथ दूंगी। आज मुझे अपनी गलती का एहसास है। लवली, मैं भगवान से दुआ करूंगी कि तुम्हें इतना अच्छा लड़का मिले जो तुम्हें खुद से भी ज्यादा प्यार करे। मुझे लड़का ना भी मिले, लेकिन मेरी बहन को उसका बसा हुआ परिवार मिल गया। आज मेरी बहन को परिवार मिल गया। तेरी आंखों में रहूं मैं, तेरे दिल में रहूं, जहां तू जाए सनम।